छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर हाहाकार मचा हुआ है। हार की वजहों को लेकर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री टी सिंहदेव ने कांग्रेस की हार के कारणों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की हार के लिए केवल ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। टी सिंहदेव ने कहा कि इस बार ट्राइबल सीट में 29 में से हम 11 सीट ही पाए हैं। भाजपा पिछले चुनाव की तुलना में करीब 14% अधिक वोट हासिल की है। शहरी इलाकों में भी हम पीछे हुए हैं। आज समीक्षा बैठक संभवतः हम लोग को एजेंडा नहीं दिया गया, लेकिन चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके संदर्भ में ही बैठक होगी और लोकसभा के चुनाव की तैयारी। रिपोर्ट तो नहीं, लेकिन जवाब तो देना होगा जो भी सवाल आएंगे। अगर कुछ पैसे मिले हैं तो जांच का विषय है, जांच कर लिया जाए और पैसे कहां से आए, किसकी गलती है, उसके ऊपर वैसी कार्रवाई की जाए। देखिए, हारने के बाद ईवीएम की बात उठाना उचित नहीं लगता। मैं ईवीएम के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि विकसित से विकसित देशों ने इस प्रणाली को त्याग दिया है। वहां पर बैलेट से ही वोटिंग होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो। हमसे तकनीकी में ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे या बराबर की स्थिति में होंगे। तो ईवीएम को उनने त्यागा, हमको भी त्याग देना चाहिए। ये समय नहीं है, चुनाव में विपरीत परिणाम आए उस समय इसकी चर्चा करने का। शेष छत्तीसगढ़ में क्लियर जो दिख रहा है कि ट्राइबल एरिया में हम पीछे हुए हैं, अर्बन एरिया में हम पीछे हुए हैं। करीब 20 सीटें हैं जो अर्बन सेमी अर्बन की हैं, उसमें हम 3 या 4 सीट ही जीत पाए हैं 20 में से। और जो ट्राइबल सीटें हैं 29, उसमें भी हम 11 ही सीट जीत पाए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से वोट शेयर हमारा अगर गिरा नहीं है तो भाजपा का करीब 14% बढ़ गया। ठीक है सर। पोलिंग बूथ के साथी से लेकर मेरे से लेकर हर व्यक्ति की ये जवाबदारी है और उनको लेनी चाहिए।